नमस्ते दोस्तों। जी हाँ, मैं हूँ जनता का दोस्त और आपका होस्ट आशीष चौधरी। और चार लोगों ने मिलकर मुझे उरन तालुका से भी रिक्वेस्ट की है, फोन किया था चार लोगों ने मिलकर कि सर आप उरन की भी दिखाइए, क्योंकि उनको कुछ हमारे चैनल से लगाव है, उनको अच्छा लगता था। तो हम कोशिश करेंगे कि उरन तालुका की भी खबर हम दिखाएं। जी हाँ, और सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद, खुश रहिए। और आगे बढ़ते हैं हम 26 जुलाई की पनवेल ग्रामीण की कोविड-19 की रिपोर्ट के लिए। जी हाँ, तो कोविड-19 की जो चाचड़ी हुई है वो 1921 है यानी अभी तक। और आज तक जो पूरी तरह से अच्छे रुग्ण हो गए, तो आज के अच्छे रुग्ण है 57 और टोटल हो गया है 1447। विद्वान एकुण रुग्ण जो है यानी आज तक जो रुग्ण है वो 390 है, और कोविड-19 से जिसकी मृत्यु हुई है वो 43 हो गई है। 43 आज पर्यंत एकुण पॉजिटिव रुग्ण, यानी कि आज तक जो टोटल पॉजिटिव रुग्ण मिले हैं वो उनको मिला के वो है आज के 52 रुग्ण के साथ 1880 हो गई है। तपासनी निकाल जिनका प्रलंबित है वो 19 है, और तपासनी निकाल जिनका नेगेटिव आया अभी तक वो 22 है। तो 43 डेथ्स हो चुकी हैं, पिछले टाइम हम 39 पे थे। अब आते हैं जहां डेथ होगी मैं वहां बता दूंगा। आदई में दो पॉजिटिव मिले हैं, 3 रिकवर्ड है। वेलवली में 1 पॉजिटिव 1 रिकवर्ड। बोकरवाड़ा पाड़ा में 9 पॉजिटिव 1 रिकवर्ड। चिंचवली में 9 पॉजिटिव 1 रिकवर्ड। देवत में 9 पॉजिटिव 3 रिकवर्ड। दुंदरे में 0 पॉजिटिव 1 रिकवर्ड। गवान में 9 पॉजिटिव 6 रिकवर्ड। गुणसुद्धि में कोई पॉजिटिव नहीं है, 1 रिकवर्ड है। कोड़खे में 1 पॉजिटिव 1 रिकवर्ड। कोपरोली में 9 पॉजिटिव 1 रिकवर्ड। लाड़ी वली में 9 पॉजिटिव 1 रिकवर्ड। नेरे में 1 पॉजिटिव 1 रिकवर्ड। नेवाड़ी में 9 पॉजिटिव 2 रिकवर्ड। पड़स्पे में 9 पॉजिटिव 1 रिकवर्ड। पाले बुद्रक, जी हाँ, पाले बुद्रक में 9 पॉजिटिव 3 रिकवर्ड है, और यहाँ पे एक मृत्यु दिख रही है। जी हाँ, जो हुई है 20 जुलाई को हुई है, और आज है हमारा 26 तारीख को जो है वो रिपोर्ट प्राप्त हुई है। तो इस हिसाब से जो आरोग्य अधिकारी कार्यालय से जो है वो रिपोर्ट 20 तारीख की रिपोर्ट जो है वो अभी प्राप्त हुई, इसलिए आज बताया जा रहा है। जी हाँ, तो पाले बुद्रक में 1 मृत्यु हुई है। कोयंजे में 0 पॉजिटिव है 1 रिकवर्ड है। उसरली खुर्द में 0 पॉजिटिव 1 रिकवर्ड। वड़घर में 0 पॉजिटिव 1 रिकवर्ड। वहाड़ में 0 पॉजिटिव 1 रिकवर्ड। वलप में 0 पॉजिटिव 1 रिकवर्ड। बावंजे में 0 पॉजिटिव 1 रिकवर्ड। विचुंबे में 0 पॉजिटिव 6 रिकवर्ड। विदर में 0 पॉजिटिव 1 रिकवर्ड। वाकड़ी में 0 पॉजिटिव 1 रिकवर्ड। आजीवली में 2 पॉजिटिव नो रिकवरी। दापोली में 1 पॉजिटिव नो रिकवरी। डेढ़वरी में 1 पॉजिटिव नो रिकवरी। हेदुटणे में 2 पॉजिटिव है, कोई रिकवरी नहीं है। कोड़वाड़ी में 2 पॉजिटिव है, कोई रिकवरी नहीं है। कुंडेवाहल में 1 पॉजिटिव है, कोई रिकवरी नहीं है। नहावा खाड़ी में 1 पॉजिटिव है, कोई रिकवरी नहीं है। तुराड़े पोसरी में 1 पॉजिटिव है, कोई रिकवरी नहीं है। शिणौन में भी 1 पॉजिटिव है, कोई रिकवरी नहीं है। सुकापुर में 5 पॉजिटिव मिले हैं, कोई रिकवरी नहीं है। तरघर में 1 पॉजिटिव है, कोई रिकवरी नहीं है। तो इस तरह से हम आते हैं कारंजड़ी की तरफ। कारंजड़ी में जो आज के नए रुग्ण मिले हैं वो है 7, और इसी के साथ जो है वो एक सदगुरु सोसाइटी में मिला है सेक्टर 2 में, एक प्राइम होम सेक्टर 3 में, और एक अथर्वा सोसाइटी सेक्टर 1 में, और एक मिला है विनय सोसाइटी सेक्टर 3 में, और इसी तरह से एक मिला है सेक्टर 6 में। जी हाँ, अब और एक मिला है अमृत पैराडाइज सेक्टर 2 में, एक मिला है साईं सिमरन सेक्टर 4 में। तो इस तरह से 7 पॉजिटिव रुग्ण हो गए हैं। अब 2 जो अच्छे रुग्ण हुए हैं वो एक विष्णु निवास प्लॉट 110 से ठीक हुआ है, एक कलश रेसिडेंसी सेक्टर 4 से ठीक हुआ है। जी हाँ, अब इसके आगे आते हैं आज के जो नए रुग्ण उलवे में मिले हैं वो है 13 रुग्ण। जी हाँ, 13 रुग्ण मिले हैं और 14 अच्छे भी हुए हैं। तो
दो मिले हैं गुरुकृपा सोसाइटी सेक्टर 2 में, 4 मिले ट्राई सिटी एवेन्यू सेक्टर 20 में, एक एनकाय हाउस सेक्टर 19, एक प्लेटिनम रीगल सेक्टर 16, एक श्री गणेश सोसाइटी सेक्टर 19, एक लक्ष्मण सी प्लाजा सेक्टर 5 में, 2 मिले हैं यूएल बिल्डिंग नंबर 24, एक मिला है यूएल बिल्डिंग नंबर 25। और इस तरह से ये 13 रुग्ण हो गए, और जो अच्छे हुए वो भी इस तरह से हैं, एक मिला है नील सिद्धि में से अच्छा हो गया है, 2 श्याम शेख टावर सेक्टर 19 से अच्छा हो गया है, एक स्काई सोसाइटी सेक्टर 9 से अच्छा हो गया है, 2 आर्चित सोसाइटी सेक्टर 20 से अच्छा हो गया है, एक ईडन पार्क सेक्टर 19 से अच्छा हो गया है, एक डेल्टा टावर सेक्टर 8 से अच्छा हो गया है, एक साईं दर्शन सोसाइटी सेक्टर 21 से अच्छा हो गया है, एक साईं बसेरा सेक्टर 23 से अच्छा हो गया है, और एक ड्रीम्स हाउस सेक्टर 9 और एक निरंकारी सोसाइटी सेक्टर 20 से अच्छा हो गया है, 2 डिफो डाइल टावर सेक्टर 8 से अच्छा हो गया है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि आज जो है वो रिकवरी की संख्या ज्यादा है लेकिन मृत्यु है 3। जी हाँ, मृत्यु 3 हुई है। और ये मृत्यु कहाँ हुई है, एक तो मैं आपको बता चुका हूँ, दूसरा मैं आपको बता देता हूँ कि ये मृत्यु कहाँ हुई है। जैसे पाली बुद्रक का मैंने आपको बता ही दिया, और उसके बाद ये आ रहा है सेक्टर ओलवे में आ रहा है प्लॉट 4 सेक्टर 19 में, एक रुग्ण दिनांक 19 जुलाई को जो है वो उसकी डेथ हो गई थी। तो आरोग्य अधिकारी कार्यालय से जो रिपोर्ट है वो अभी आई है, तो वो अभी बताया जा रहा है। जी हाँ, एक डेथ यहाँ पे नोंद हुई है प्लॉट नंबर 4 सेक्टर 19 में, एक डेथ यहाँ पे रिपोर्ट हुई है। तो इस तरह से 3 टोटल दिखा रहे हैं, लेकिन हमारे पास जो ब्योरा आ रहा है वो एक एक डेथ का आ रहा है, यानी कि एक डेथ हुई है पाले गुदरक में हुई है, ये भी 20 तारीख की डेथ जो मैं आपको बता चुका हूँ। और इस तरह से जो है वो दो डेथ जो हुई है उसका मैं ब्योरा मैंने आपको दे दिया है, और लेकिन टोटल में यहाँ पे मुझे 3 डेथ दिख रही है। जी हाँ, तो इस तरह से ये था आज का पनवेल ग्रामीण का अहवाल, जिसमें उल्वे नोट भी आता है। तो आप लोग हमारे साथ बने रहिए। जी हाँ, और हमारे एक चैनल और हमारे हम एक चैनल लॉन्च कर रहे हैं, जिसका नाम होगा वेकअप इंडिया, यानी जागो भारत। जी हाँ, तो इसमें हम हर दिन की न्यूज नहीं आएगी, इसमें हफ्ते में एक बार या दो बार हम कुछ अपलोड करेंगे, जो कानूनी प्रक्रिया और आरटीआई कैसे होता है, कानून में कैसे कुछ चीजें होती हैं, और कई नॉलेजेबल जो जिससे कि आपको नॉलेज होगी। और ये एक इंटरैक्टिव वीडियोस रहेंगे, जिसमें आप कमेंट में लिख सकते हो कि आपको क्या चीज चाहिए क्या नहीं चाहिए। हाँ, कमेंट पे ध्यान रखना, यदि आपको पसंद नहीं आता है तो आपको देखने की जरूरत है। लेकिन मैं ऐसा सोच रहा हूँ कि जैसे ही ये चैनल लॉन्च होगा आज या कल में, तो हम लिंक डाल देंगे, और हम ये आशा करते हैं कि ये चैनल में जो है वो आप लोग सब्सक्राइब कर लेंगे, ताकि आपको सही और सही तरीके की कानूनी सलाह मिल सके, ह्यूमन राइट्स के बारे में और भी कई कई चीजें हैं, जैसे कि कानून में क्या होता है, पुलिस में क्या होता है, अरेस्ट में करने पे क्या होता है, वारंट क्या होता है, ये सारी चीजें आपको इसमें नॉलेज में मिलेंगी। हम आगे आपको बताते रहेंगे, हमारे से जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। दोस्तों, जी हाँ, मैं हूँ जनता का दोस्त और आपका होस्ट आशीष चौधरी। और यदि आपको पत्रकारिता चाहिए, चाटुकारिता नहीं चाहिए, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइब का लाल बटन दबाइए और घंटी का बेल ऑन कीजिए।